न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वेन एवर एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। यानी ये सारे अंडरलाइन वर्ड ये शो करते हैं कि ये स्टेटमेंट की मेन पॉइंट्स हैं। मतलब कि एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि मिसाल तौर पर हमारे पास एक बॉडी है, जैसे हमने सपोज कर लिया कि एक बॉल। अब अगर ये बॉल एक बॉडी है और तो इसका कोई ना कोई एक मास भी होगा। अगर मैं इस बॉडी पे यानी कि इस बॉल पे जिसका मास है एम, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर दूँ अनबैलेंस फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से ऑब्वियसली बात है इस बॉल के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होगी जिसे हम कहते हैं मोशन, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यानी कि बॉडी अगर मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होने पर हमें ये पता है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, यानी जब स्टेटमेंट पे गौर करो तो कह रहा है कि अगर मैं इस बॉडी कोई भी बॉडी हो उसमें मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमने यहाँ देख लिया डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जिस तरफ मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उसी तरफ बॉडी की एक्सेलरेशन भी होगी। यानी अगर मैं इस तरफ टूवर्ड्स राइट इस एग्जांपल की बात करूं तो यहां मैं टूवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी की एक्सेलरेशन भी टूवर्ड्स राइट होगी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ द बॉडी के। यानी अगर मैं इस लॉ को मैथमेटिकली अगर मैं इसको शो करूं तो ये कुछ इस तरह से है कि हमें इस लॉ में दो बात पता लगी है। एक तो ये कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, अप्लाइड फोर्स के, और दूसरी बात ये कही गई है इस लॉ में कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी के। पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली और दूसरी बात है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को एग्जांपल वाइज नोट करूँ तो हम एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर मैं कोई भी एक बॉल है ज़मीन पर जिसको मैं ज़्यादा फोर्स से ज़्यादा कुव्वत से अगर मैं इसको पुश करूं तो ऑब्वियस ही बात है बॉल भी उतनी ही तेज़ी से मूव करती हुई आगे जाएगी। यानी कि अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करूंगा तो वो उतनी ही तेज़ी से मूव करेगी, यानी कि उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये कि फोर्स बढ़ाने पर हमारे पास एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। जब भी हमने यहाँ देखा कि एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमें पता है कि जब भी कोई क्वांटिटी अगर मैं किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाऊं तो दूसरी क्वांटिटी भी अगर ऑटोमेटिकली बढ़ जाए तो फिर हम उन दोनों को कहते हैं कि ये दोनों हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो इसमें है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल हम एक कहानी से लेते हैं। मिसाल तौर पर हमारे पास एक दो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर ए जो कि बहुत फैट से एक लड़का है, हमने एक एग्जांपल ले ली, और बी एक बहुत ही थिन सा एक पतला एक लड़का है। अब अगर हमने ये करना है कि अगर इन दोनों में के दरमियान होती है लड़ाई, और लड़ाई इस बात पे होती है कि इनको एक पेन मिलता है और जो फैट वाले भाई साहब है वो ये कहते हैं कि ये पेन मेरा है, और जो ये कैरेक्टर बी है ये कहता है नहीं ये पेन मेरा है। इन दोनों में लड़ाई होने के बाद इन्होंने एक चीज़ डिसाइड ही किया कि हम करते हैं एक रेसिंग ये किया कि उन्होंने फिनिशिंग पॉइंट पे रख दिया पेन को, जो पेन इन्हें चाहिए था, और इन्होंने कहा कि हम स्टार्टिंग पॉइंट से करते हैं एक रेस, जो हम में से जीत जाएगा वो पेन उसका होगा। अब चूँकि जो पतला वाला था, जो थिन बंदा था, उसके पास दिमाग ज़्यादा था, क्योंकि वो अब दिमाग
उसके पास ज़्यादा था, और अगर मैं मोटे वाले बंदे की बात करूँ तो वो, उसके पास दिमाग कम था क्योंकि वो अपने सारे दिमाग लगा चुका होता था खाने में। तो अब अगर इन दोनों की रेसिंग करवाई जाए तो ऑब्वियसली बात है, जब रेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमने ये पता है कि जो कैरेक्टर बी है हमारे पास वो पहले पहुंच गया होगा फिनिशिंग पॉइंट पे। वजह उसकी ये कि वो पतला था यानी कि उसका मास कम था, और जो कैरेक्टर ए है वो काफ़ी फैट था तो उसका मास इसका मतलब ज़्यादा था। और अगर हमने बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर मैं किसी एक मोटे बंदे को भगाऊं और एक पतले बंदे को भगाऊं, तो जो फैट वाला बंदा होगा उसकी स्पीड कम होगी और जो पतला वाला बंदा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड हमेशा डिपेंड करती है मास पे। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी स्पीड कम होगी, और जितना मास कम होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस केस में हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। यानी अगर मैं एक और कॉमन एग्जांपल, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूँ, तो अगर मैं मिसाल लेता हूँ एक बस की जिसका वेट ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा होता है, और अगर मैं इसी के साथ एक ले लूँ एक बाइक, तो हमें ये पता है कि बाइक का जो वेट है वो इस बस से ऑब्वियसली बात है कम होगा। तो अब जब मैं इन दोनों की रेसिंग करवाऊंगा, भले से ट्रैक सेम हो, दोनों की स्पीड भी सेम हो, बट बाइक जो है वो पहले पहुंच जाएगी फिनिशिंग ट्रैक पे, और जबकि बस जो है वो बाद में पहुंचेगी। उसकी वजह यह है कि बस का मास ज़्यादा है, बाइक का मास कम है। एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की स्पीड हमेशा डिपेंड करती है उसके मास पे। जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड कम होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये बनी दोनों इक्वेशंस। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, अच्छा कंबाइन करने के लिए एक चीज़ ये कि हम हमेशा, ये हमारा एग्जांपल वाला पोर्शन था जिसको मैंने अलग कर दिया, इक्वेशंस को कंबाइन करने के लिए हमेशा हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर इक्वेशन की कोई भी एक साइड कॉमन है तब हम उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस लॉ की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है यानी कि दोनों तरफ ए है, तो हम इसको अब कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने लिखा कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंबाइन करने के बाद इसकी कंबाइन फॉर्म कुछ इस तरह होगी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एक दफ़ा लिख दिया ए जो कि दोनों में कॉमन था, राइट हैंड साइड पे हमारे पास एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हमने इसके बिल्कुल सामने लिख दिया, और मास चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो हमने इसको अपॉन में लिख दिया। अब क्या हुआ, ए प्रोपोर्शनल एफ अपॉन एम क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो गया एफ से। अब जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करता हूँ तो प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम एक चीज़ इंक्लूड करते हैं, वो है इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट। इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट, ये किसी भी लॉ में जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो साथ में आ जाएगा इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट। हर लॉ में कांस्टेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करूँ जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए कांस्टेंट अलग होगा। अगर मैं फैराडे लॉ की बात करूँ जो कि हम 9th में पढ़ चुके हैं, उसके लिए कांस्टेंट अलग था। हर लॉ की अपनी एक कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर इस लॉ में अगर मैं बात करूँ तो इस लॉ के लिए जो कांस्टेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और तो ये हमारे पास जो अब इक्वेशन है बन जाएगी ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की जगह मैं लिख दूंगा के एफ अपॉन एम, वेयर अगर मैं इस के की वैल्यू पुट करूँ तो इस के की वैल्यू हमेशा होगी 1। तो ए हो गया हमारे पास 1 एफ अपॉन एम, यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो गया ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, एम डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आ इस साइड पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एफ हो जाएगा हमारे पास एम ए। तो जनाब दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, और जब भी फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते तो वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम अप एंड ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये फोर्स के फॉर्मूले को ड्राइव किसने किया, न्यूटन ने। तो जब भी हम इस फोर्स के यूनिट को लिखते हैं न्यूटन, उसकी वजह यह है कि इस फोर्स के फॉर्मूले को, इस फोर्स के ईजाद करने वाला कौन है, न्यूटन। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया फोर्स के फॉर्मूले को, और इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया अपने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को।
यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसका पूरा नाम है। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में देखा कि फोर्स किस तरह इसका फॉर्मूला डेवलप हुआ और सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या है।